वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग। 10th क्लास मैथमेटिक्स। वेरिएशन इज द टॉपिक नेम। यूनिट नंबर 3, एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिवाइडेंडो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y अपॉन x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z अपॉन x माइनस 2z इफ x इज इक्वल टू 4yz अपॉन y प्लस z। ये बेसिकली आपके पास गिवन है x का वैल्यू। x के इस वैल्यू को यूज करते हुए आपने x प्लस 2y और x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z अपॉन x माइनस 2z का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन में देखिए, ये जो 4yz है इसको मैं दो कंपोनेंट में लिख सकता हूँ। 2 2s are 4 होते हैं, 2y और 2z। अभी एक स्टेप के ऊपर 2y को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, वहां पर जाके x के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, x अपॉन 2y। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा 2z। अब यहां पे आपने कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम को यूज करते हुए x प्लस 2y अपॉन x माइनस 2y इज इक्वल टू 2z प्लस 5 प्लस z अपॉन 2z माइनस 5 माइनस z, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका ही जाके न्यूमिनेटर में ऐड होता है और यही आके सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहां पे आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 2y अपॉन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3z प्लस 5 अपॉन z माइनस y। अगेन आप वैल्यू को यूज करेंगे x इज इक्वल टू 4zy अपॉन yz। अब यहां देखें 2z और 2y आप अलग-अलग से लिख लिया हमने और 2z को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2y अपॉन y प्लस z बच जाएगा। इस पे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो जब आप यूज करेंगे तो x प्लस 2y अपॉन x माइनस 2z इज इक्वल टू 2y प्लस 5 प्लस z अपॉन 2y माइनस 5 माइनस z। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 2y अपॉन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3y प्लस z अपॉन y माइनस z आ जाएगा। अभी आप दो आपके पास इक्वेशन आ गई हैं, यानी कि ये मैंने लिख दिया है इसको और दूसरे को भी लिख दिया है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा शायद मिस्टेक है, ये है z, इसको मैं इधर ही ठीक कर देता हूँ लाइक दिस। और ये भी z है, अब ये देखें आपका x प्लस 2y अपॉन x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z अपॉन x माइनस 2z का वैल्यू 2 आ गया है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करना है, इसमें प्लस माइनस का प्रोसेसिंग है, एक ही आपका बस थ्योरम यूज होगा कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो वाला। इसके बाद आपका बस सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एलिमेंट है। पार्ट 2 में देखिए, आपने m प्लस 5n अपॉन m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p अपॉन m माइनस 5p इफ m का वैल्यू गिवन है, इफ m इज इक्वल टू 10np अपॉन n प्लस p। ऑलमोस्ट वही काम है जो पार्ट 1 में किया गया है। यहाँ पे 10 को फैक्टर्स बनाएंगे 5 और 2, 5 टू 10 होते हैं और n और p को अलग कर लिया है। अब आप देखें ये m प्लस अपॉन 5n, ये अगेन कंपोनेंट और डिवाइडेंडो मेथड इसमें मैंने यूज किया है। यहाँ पे एक वैल्यू आ गई हमारे पास 3p प्लस n अपॉन p माइनस n। और दोबारा इस m के वैल्यू को यूज करते हुए हम m अपॉन 5p करेंगे, क्योंकि m प्लस 5p और m माइनस 5p का आपको आंसर चाहिए। तो कंपोनेंट और डिवाइडेंडो इस पे यूज हुआ, इसके बाद आपके पास वैल्यू आ गया 3n प्लस p अपॉन n माइनस p। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा विजिबल जरा रहना है, ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, p माइनस n है और n माइनस p है। इसको हम क्या करेंगे, एक मैंने शो कर दिया है, यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो p माइनस n आ जाएगा। तो उसके बाद ये वाला जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है दोबारा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। देन वही वर्किंग है प्लस माइनस का, तो 2 कॉमन आएगा, p माइनस n और p माइनस n जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। पार्ट 3 के लिए देखें, x माइनस 6 ए अपॉन x प्लस 6 ए माइनस x प्लस 6 ए अपॉन x 6 माइनस
एक्स माइनस सिक्स ए। अभी x इज इक्वल टू 12 ए बी अपॉन ए माइनस बी है, तो इसके अंदर हमने 12 के फैक्टर बनाने हैं, 6 और 2 फैक्टर होते हैं, 6 से को अलहदा कर लिया, 2 बी को अलहदा कर लिया, देन 6 अपॉन x अपॉन 6 ए इज इक्वल टू 2 बी अपॉन ए माइनस बी। कंपोनेंटो डिवाइडेंडो मेथड को यूज़ किया तो हमारे पास एक वैल्यू आ गया, और अगेन हमने कंपोनेंटो डिवाइडेंडो मेथड को यूज़ करते हुए दूसरा वैल्यू लिया, देन आपके पास दो वैल्यूज दो आंसर्स आ गए हैं, इनको आपने करना है अकॉर्डिंगली। आप इसको माइनस करेंगे, माइनस करने से दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई और उनको आपने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ चूंकि हमें a पहले चाहिए था तो इसलिए 4a माइनस 4a पहले लिखा, 4b बाद में लिखा, माइनस 4 इसमें से कॉमन आ जाएगा, b प्लस a, और a a भी a b प्लस a या a प्लस b एक ही बात होती है, दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर दिया, माइनस 4 विल बी द आंसर। पार्ट फोर्थ, x माइनस 3y अपॉन x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z अपॉन x माइनस 3z इफ x इज इक्वल टू 3yz अपॉन y माइनस z। ये x अपॉन 3y का लिया, वहां पे z रहा और इसके साथ कंपोनेंट और डिवाइडेंडो मेथड यूज किया, प्लस माइनस करने के बाद इसका एक वैल्यू हमारे पास आ गया है, और दोबारा x अपॉन 3z कर लिया और इस पे भी कंपोनेंट और डिवाइडेंडो थ्योरम को यूज किया और सिंप्लीफाई करने के बाद एक आंसर मिल गया। देन आपने इसका लेना है एलसीएम, एलसीएम में आपके पास वाई जी है, वाई जी के बाद ये 2z² माइनस वाई जी माइनस 2y² प्लस वाई जी आएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो इसका मजीद इसका कैंसलेशन नहीं हो सकता, यही आपका आंसर है। पार्ट फिफ्थ, s माइनस 3p अपॉन x प्लस 3b, ये x नहीं s होना चाहिए, एस प्लस 3p प्लस एस प्लस 3q अपॉन एस माइनस 3q एफ एस इफ एस इज इक्वल टू 6pq अपॉन p माइनस q। ये देखें यहाँ पे 6 के फैक्टर बनाए, 3 और 2, 3 2 दर 6 होते हैं, p और q को मल्टीप्लाई करेंगे pq आ जाएगा, एस अपॉन 3p किया, कंपोनेंट और डिवाइडेंडो थ्योरम आपने यूज किया तो एक वैल्यू आपको मिल गया, दूसरे वैल्यू लेने के लिए आपने एस अपॉन 3q किया और अगेन इसके ऊपर कंपोनेंट और डिवाइडेंडो मेथड यूज किया, देन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 2 कॉमन लेंगे, p प्लस q के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 विल बी द आंसर। पार्ट 6, यहां पे भी कंपोनेंट और डिवाइडेंड मेथड यूज होगा, ये आप देख लीजिए 12 प्लस 13 अपॉन 12 माइनस 13, और यहां पे माइनस 1 आएगा, यहाँ पे माइनस 2 आएगा, ये माइनस और माइनस साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन आपने स्क्वायर इसका लेना है, स्क्वायर रूट यहाँ पे होगा 2। अब आप जब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स का तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 मिलेंगे आंसर, क्योंकि अंडर रूट का आंसर हमेशा प्लस माइनस में होता है। अब प्लस के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, और सिमिलरली माइनस 5 के साथ, क्योंकि प्लस के साथ के बाद माइनस का साइन भी आपको लेना होता है, तो x इज इक्वल टू 11.3 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। तो दो सॉल्यूशन सेट में आप 9.2 और 11.3 ये दो आंसर लिखेंगे। पार्ट 7 देखिए, अगेन इसके ऊपर कंपोनेंटो डिवाइडेंडो मेथड यूज होगा, यहाँ पे ये जरा मिसिंग है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ये देखें यहां पे नेगेटिव साइन होगा और ये पॉजिटिव होगा, इसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास आएगा नेगेटिव -1 में, और ये भी यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि x² -2
एक्स स्क्वायर माइनस टू जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये वाला जो साइन है ये माइनस में होगा, और बल्कि होल्ड ऑन मैं चेक करता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस टू है ये माइनस है, यहाँ जाकर माइनस हुआ तो यहाँ आके ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस ठीक था। अब ये साइन में चेक करता हूँ, हाँ साइन में ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव ही है, टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, और ये नेगेटिव साइन चेक करता हूँ कि कहाँ भी आ रहा है। सॉरी ये पॉजिटिव ही है क्योंकि टू माइनस वन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, थ्री अपॉन वन ही है। ओके टू टू कैंसिल हो गए, उसके बाद आपने इसका लेना है स्क्वायर, क्योंकि ये हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो थ्री का स्क्वायर लेंगे नाइन, देन आप इसके पास एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू नाइन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू, और ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे और नाइन एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ लेंगे, माइनस नाइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एटीन और टू को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस टू होगा, टेन माइनस एट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी, नेगेटिव नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन एट, और ये इज इक्वल टू फाइव ऑन टू आफ्टर कैंसिलेशन। अब दोनों तरफ का लेंगे अंडर रूट, एक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस फाइव ऑन टू अंडर रूट, ये एक्सट्रीनियस रूट्स कहलाते हैं क्योंकि आंसर हमारा अंडर रूट में आया है। अगेन आपके पास पार्ट एट्थ के लिए कंपोनेंटो डिवाइडेंडो अब मेथड यूज करेंगे, मेथड यूज करने के बाद ये आपके पास यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होंगे और टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसका टू वन द टू टू द फोर, और सिंप्लीफाई आंसर जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एट पी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा फोर, देन हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एट पी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर इस फोर एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट किया नेगेटिव हो गया, माइनस फोर पी स्क्वायर और एट पी स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस और माइनस आपस में सम अप हो जाएंगे, माइनस ट्वेल्व पी स्क्वायर माइनस और माइनस हो जाएंगे कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी स्क्वायर, दोनों साइड्स का आप लेंगे अंडर रूट, तो एक्स एक्स स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस में टू पी आपका आंसर आ जाएगा, ये आप सॉल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो एक दफा पॉजिटिव टू पी दूसरी दफा नेगेटिव टू पी। नाइन्थ पार्ट है आपके पास कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करते हुए, आपने एक दफा प्लस करना एक दफा माइनस किया और उसके बाद सिंपलीफाई आंसर आपके पास आ गया, टू इंटू एक्स प्लस फाइव क्यूब इज इक्वल टू अपॉन माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री क्यूब इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन अपॉन माइनस वन, ये माइनस वन और माइनस वन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और टू और टू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने लेना है क्यूब रूट, क्यूब रूट जब लिया तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा एक्स प्लस फाइव ऑन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, थ्री थ्री जर वन, थ्री वन जर थ्री और थ्री थ्री जर नाइन, देन आपके पास एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन और माइनस फाइव, क्योंकि जब दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन, अब टू नेगेटिव नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, टू को फोर्टीन को जाके टू डिवाइड हो जाएगा फोर्टीन के साथ, तो आंसर विल बी द सेवन, सॉल्यूशन सेटअप का आ गया जी सेवन। इसके साथ ही इस वीडियो का कंप्लीशन होता है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल पे कमेंट करें, मेरे वीडियोस पे कमेंट करें और मेरी वीडियोस का अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग जरूर कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आप मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए, विच इज़ 0321 5838264। थैंक यू वेरी मच।